तेरे रवि से भरत बनने का फायदा उठाने के लिए मैंने तेरे दोस्त सत्यजीत और सलीम को खरीद लिया, लेकिन तेरा तीसरा दोस्त विक्की, बोल हरामजादे, रवि के खिलाफ गवाही देगा कि नहीं? तुम मुझे जान से भी मार दो तो भी मैं कहूंगा नहीं। पागल मत बन विक्की, अंबानी साहब हम तीनों को 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं। मालूम मैं तुम लोगों की तरह नमकराम नहीं हूँ, मैं रवि जैसे दोस्त से गद्दारी नहीं करूंगा, भले ही ये मुझे 3 करोड़ रुपए क्यों ना दे दे। बास्टर्ड, तो तू गवाही नहीं देगा। वेलकम मिस्टर कुमार, अपने बेटे के कातिल की कीमत लाए हो। इस बैग में हीरे जवाहरात के अलावा सारे कागजात मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि हमने अपनी तमाम जायदाद, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी है। इसे कहते हैं दीवानगी। वेरी नाइस। अपने बेटे के कातिल को मारने के लिए तुम अपने आप को कंगाल कर लोगे, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अपनी इकलौती औलाद की मौत पे खून के आंसू बहाने वाले बाप की नफरत को तो जैसा पैसों का लालची कभी नहीं समझ सकता। समझ है अपनी अपनी। तुम भारत को हमारी ओर भेजो, हम ये बैग तुम्हारी ओर फेंकते हैं। जाओ दोस्त, तुम्हारी मौत तुम्हें लेने आई। माफ करना, तुम्हें हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी रवि बेटे। इसका मतलब तुम जानते थे कि ये तुम्हारा हमारा बेटा रवि है। वो बाप ही क्या जो अपनी औलाद की आंखों में देखकर उसे पहचान ना सके, इसीलिए हमने इसे पुलिस के कब्जे से छुड़ाया। हमने तलवार का वार उस हथकड़ी पे किया ताकि वह कट जाए। हमने ही अपने नौकर लक्ष्मी को आदेश दिया कि इसे अपने घर में पनाह दे। दरअसल हम उस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहते थे जिसने हमारे बेटे को मोरा बनाकर हमारे साथ ही बाजी खेलने की हिम्मत की। डैडी, ये वो कमीना। नहीं बेटे, ये वो कमीना नहीं है। ये कमीना वो खिलाड़ी नहीं है बेटे। चींटी की चाल और लोमड़ी की चालाकी को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अंबानी जैसी चींटी का सहारा लेकर शेर का शिकार करने की हिम्मत करने वाली और लोमड़ी कौन है, इसका नाम हमें अंबानी बताएगा। अब बोल अंबानी। आलोक अंकल, आप? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का वफादार साथी, तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। याद है वो दिन कुमार, जिस दिन तुमने बारूद और हथियार का जखीरा उतारने के लिए नरेश को मौत की सजा दी थी, और मैंने तुमसे कहा था इसने पहली बार गलती की है, इसे माफ कर दो, ये मेरा भाई है। आलोक, अगर हमारा भाई या हमारा बेटा भी इसकी जगह होता तो हम उसे भी यही सजा देते। मैंने उसी दिन कसम खाई थी
कि नरेश की मौत का तुमसे बदला लूंगा, और ऐसा बदला जो तुम्हारे उसूल और तुम्हारी देशभक्ति की धज्जियां बिखेर देगा। यह जानकर कि रवि भारत बना हुआ है, मैंने तुम्हारे दुश्मन अंबानी से हाथ मिलाया। मैं चाहता था तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बेटे का खून करवाऊं, उस खून के जुर्म में तुम्हें सजा दिलवाऊं, और जब तुम जेल की सलाखों में फांसी का इंतजार करो, मैं तुम्हें रवि की डायरी दूं, ताकि तुम अपने हाथों हुई अपने बेटे की मौत पर तड़पो, रो, खून के आंसू बहाओ, उसी तरह जिस तरह मैं अपने भाई को अपने हाथों से मार के खून के आंसू बहा रहा हूं। भगवान हमेशा सच्चों का साथ देता है आलो, तुम गलत हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। तुम बाप बेटे को अपने हाथों से कत्ल करने की ख्वाहिश को आज भगवान भी नहीं रोक सकता। इस गलत ख्वाहिश को मैं रोकूंगी पापा। कोमल तुम हथियार फेंक दीजिए पापा, वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। कोमल समझने की कोशिश करो, तुम बच्ची हो, नादान हो। नादानी आप कर रहे हैं पापा, जो अपनी बेटी की खुशी। मेरे पास अंबानी, छोड़ दो कोमल को। छोड़ दूंगा, पहले तो कुमार और रवि को तो छूट कर। नहीं पापा, आपको मेरी कसम, आप ऐसा मत करिए। चुप। नहीं अंबानी, मैं अपनी इकलौती बेटी की कसम नहीं तोड़ सकता। कोमल को छोड़, वरना ये दिल भी अजीब दीवाना है आलोक बाबू। बेटी की मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में भरी हुई बदले की आग को ठंडा कर दिया और हमारे दिल की आग को भड़का दिया। हरामजादे!